स्वागत करता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन XMS के फीचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाटा नेक्सॉन XMS के फीचर्स के बारे में। इसमें आपको टोटल 7 वेरिएंट मिल जाता है, 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर रेवोट्रॉन टर्बोचार्ज और 1.5 लीटर डीजल में आपको मिलेगा और 6 कलर ऑप्शन के साथ आती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसको माना गया है टाटा नेक्सॉन XMS। कंपटीशन की बात करें तो किया सोनेट के साथ इसका तगड़ा कंपटीशन होता है, फोर्ड एक्को स्पोर्ट्स के साथ जो कि 2021 में नई लॉन्च होने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्सॉन XMS में आपको फ्लिप की मिल जाती है दोस्तों, और इसमें लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको इसमें प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, DRLs मिल जाते हैं दोस्तों। टर्न इंडिकेटर आपको नीचे मिलता है और हाई बीम के लिए आपको हेलोजन बल्ब यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगा टाटा नेक्सॉन XMS में, और ये पियानो फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप यहाँ ग्रिल की बात करें तो ये भी पियानो फिनिशिंग में आपको मिलेगा, टाटा का लोगो आप देख सकते हैं। नीचे आपको एक क्रोम की बिडिंग मिल जाएगी दोस्तों, और यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन दिया गया है दोस्तों। और टॉप मॉडल में आपको ये स्किड प्लेट पेंटेड मिलता है दोस्तों, और इसमें आपको ब्लैक, मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। कि वृत्त की बात करें तो इसमें दोस्तों 1606 mm आपको इसमें वृत्त मिल जाती है। और लेंथ की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें लेंथ आपको मिलेगा दोस्तों, सब 4 मीटर है, 3993 mm आपको इसमें लेंथ देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले हम टायर की बात करेंगे तो आपको इसमें 16 इंच के स्टील रिम्स देखने को मिलेगा। अगर टायर साइज की बात करें 195 cc r 16 इंच के आपको इसमें टायर देखने को मिलेगा। साइड की बात करें तो दोस्तों ये ORVMs इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। और ये स्ट्रिप की बात करें तो अगर आप व्हाइट कलर का वेरिएंट अगर आप चूज़ करते हैं व्हाइट कलर, तो आपको इसमें सिल्वर स्ट्रिप देखने को मिलेगा। और अगर आप और कोई कलर चूज़ करते हैं जैसे डेटोना ग्रे, ब्लू, अगर आप ऐसे और कोई कलर चूज़ करते हैं तो इसमें आपको व्हाइट कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलता है कि 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी खासी है। पर कंपनी के यूज़र मैनुअल की बात करें तो आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस लिखता है दोस्तों 174 mm ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो, और बल्कि ये BS6 है, यूज़र मैनुअल की मैं बात कर रहा हूँ। टाटा नेक्सॉन के अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो दोस्तों आपको ये फिर से ब्लैक कलर में मिलेगा। अगर आप क्रोम की बात करें, अगर आप इस क्रोम की बात करें तो बॉडी साइड क्रोम भी हमने ये कंपनी से फिटेड करवाया है, जिसका कॉस्टिंग हमें पड़ा था, हमने किट लिया था जो कि 11,000 में हमें मिला था, जिसमें सीट कवर और ये क्रोम हैंडल्स और ये बॉडी साइड क्रोम हमें इसके साथ फ्री मिला था। अगर रेयर की बात करें तो आपको इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा, और ना आपको इसमें रेयर वाइपर ना रेयर डिफॉगर आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर टेल लाइट्स की बात करें तो दोस्तों इस पूरा आपको LED में मिलेगा, और अगर साइड लाइट की बात करें तो आपको इसमें बल्ब देखने को मिलेगा। आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स 2 मिल जाएंगे दोस्तों, और यहाँ नेक्सॉन की बैजिंग और सिल्वर कलर की आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन जो कि आगे से लेके पीछे कंटिन्यू की गई है। आपको यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर और नेक्सॉन की बैजिंग भी मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक देती है। अगर बूट स्पेस की बात करें दोस्तों और बूट खोलने की बात करें तो आपको यहाँ पे कोई चाबी लगाने का सिस्टम नहीं, आपको लॉन्ग प्रेस सेंटर बटन दबाना है इसी रिमोट में और आपका बूट खुल जाएगा। टोटल 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा दोस्तों आपको, और ये पार्शल ट्रे हमने आफ्टर मार्केट नहीं लगवाया, कंपनी से लगवाया, जो कि हमें पड़ा है दोस्तों 1900 रुपीज़ का। रियर टायर की बात करें और टायर साइज़ की बात करें तो वो स्टेपनी आपको नीचे ही मिल जाएगी दोस्तों, और सेम टायर साइज़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप इंटीरियर की बात करें और सबसे अच्छी बात करूं तो दोस्तों टाटा नेक्सॉन XMS में आपको ये रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि रात में कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। 1 लीटर की बोतल आप यहां पे रख सकते हो। चारों डोर्स में आपको ये मिलेगा। अम्ब्रेला होल्डर्स भी देखने को मिलेगा। स्पीकर्स की प्लेसमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर, और विंडो अप एंड डाउन 1 टच नहीं है दोस्तों यहाँ पे, और विंडो बंद करने का ऑप्शन ड्राइवर साइड रहेगा, और हार्ड प्लास्टिक आपको सब तरफ देखने को मिलेगा। मोर भी एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें तो आपको टिल्ट मिलेगा दोस्तों, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें, वॉल्यूम अप एंड डाउन, फोन उठाना, कट करना, पेन ड्राइव के स्लॉट आप यहीं से कर सकते हैं, और हॉर्न भी आपको यहीं से मिलेगा। सेंटर कंसोल की बात करें तो दोस्तों आपको 3.5 mm का आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। AC वेंट्स के कंट्रोल आपको नीचे देखने को मिलेगा। बूट खोलना है आपको तो यहाँ से आप बटन 1 टच बूट खोल सकते हो। और अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो दोस्तों आपको अच्छा खासा बड़ा ग्लव बॉक्स इसमें देखने को मिलेगा टाटा नेक्सॉन XMS में। और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी
इस वेरिएंट की बात करें और क्या बनाता है इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ। दोस्तों वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। दोस्तों आप देख सकते हो यही इसकी खासियत है टाटा नेक्सॉन XM-S में। आपको इसमें रेगुलर IRVMs देखने को मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको हैलोजन नहीं दोस्तों LED लाइट्स देखने को मिलेगी। और वैरायटी मिरर की बात करें तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। टिकट होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सनरूफ की जैसे कि मैंने बात की, आपको अगर सनरूफ खोलना है तो वन टच आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा दोस्तों, और क्लोज का भी आपको वन टच मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर वन टच क्लोज भी हो जाएगा सनरूफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर वेंटिलेशन की बात करें तो ये भी आपको मिल जाएगा। एसी वेंट्स की बात करें तो दोस्तों आपको चार देखने को मिलेगा, रेयर एसी वेंट्स आपको इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। और ओवरऑल अगर फ्रंट से बात करें तो बस इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें खलता है और कुछ नहीं दोस्तों, बाकी ये बहुत ही बढ़िया वेरिएंट बना देता है इस टाटा नेक्सॉन XM-S की। चलिए अब बात करेंगे हम रेयर की दोस्तों, तो आपको यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन का यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। 1 लीटर के बॉटल होल्डर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्पीकर्स आपको मिलेंगे दोस्तों, 4 स्पीकर इसमें मिलेगा। और ट्विटर की प्लेसमेंट दी है, बस ट्विटर नहीं मिलेगा आपको। और अगर इंटीरियर की बात करें और लेग रूम और हेड रूम की बात करें दोस्तों, आपको अच्छा खासा हेड रूम मिलेगा। मेरी हाइट है दोस्तों अगर आप बात करें 5'9", और लेग रूम की बात करें वो भी आपको अच्छा खासा इसमें देखने को मिलेगा। आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, ना 60-40 स्प्लिट देखने को मिलेगा। और अब अगर आप हेडरेस्ट की बात करें तो ये भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। टाटा नेक्सॉन XM-S की प्राइस की बात करें तो 8.36 लाख एक्स शोरूम आपको पड़ेगी। KA पासिंग देख के आप जरूर जानना चाहेंगे हमें ये गाड़ी कितने की पड़ी, तो दोस्तों हमें ये गाड़ी 9,99,000 समथिंग की पड़ी है, क्योंकि आपको पता है कर्नाटका का रोड टैक्स काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं कुछ फीचर्स की वजह से टाटा नेक्सॉन XM-S वैल्यू फॉर मनी बन जाती है दोस्तों। आप 50,000 एक्स्ट्रा देते हैं और आपको सनरूफ मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों इसी के साथ, 4 व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट, 2 व्हीलर चलाते तो हेलमेट जरूर पहनिए। साइनिंग ऑफ रफ्तार 7811, और फॉलो करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पे रफ्तार 7811। जय हिंद, जय भारत।